गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था सेमीकंडक्टर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन हमने किया था, और उसमें बताया था आपको कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि मेटल्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स को डिफरेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप। तो वो एनर्जी बैंड होता क्या है पहले तो वो समझना पड़ेगा। तो एनर्जी बैंड क्या है उसे देखते हैं, और फिर लास्ट में हम तीनों को डिफरेंशिएट करेंगे एनर्जी बैंड के बेसिस पे। अच्छा, एटम्स चैप्टर में आपने बोहर्स मॉडल पढ़ा था, बोहर्स मॉडल थ्योरी आपने पढ़ी थी, किसके बारे में, सिंगल एटम के बारे में, यानी कि आइसोलेटेड एटम के बारे में आपने पढ़ा था, और उसी का आपने हाइड्रोजन एटम के लिए आपने एक एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया था, याद है आपने एक एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया था जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स थे। एक फार्मूला था आपके पास एनर्जी का, एनर्जी इन nth ऑर्बिट कितनी होती थी, -13.6 अपॉन एन स्क्वेयर, ये फार्मूला था आपके पास। तो जब n इज इक्वल टू 1, जब फर्स्ट ऑर्बिट में लाई करता था तो आपके पास एनर्जी कितनी आती थी, E1 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब n इज इक्वल टू 2 था तब कितनी आती थी, E2 इज इक्वल टू -2, यानी कि 4 से डिवाइड करो तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से आपके पास एनर्जीज थी डिफरेंट डिफरेंट लेवल में, यहाँ थी -1.51, -0.85, -0.54 एंड सो ऑन। इस तरह से आपके पास एनर्जीज चल रही थी, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास ये आपने पढ़ा है पहले। तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट के लिए डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी थी, जब फर्स्ट ऑर्बिट में लाई करता था तो उसके पास एनर्जी थी -13.6, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में वही इलेक्ट्रॉन होंगे जिनके पास एनर्जी कितनी होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट में वही इलेक्ट्रॉन आएंगे जिनके पास एनर्जी कितनी होगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि हर एक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन के लिए एक एनर्जी लेवल स्पेसिफाई है ना। मान लो कि बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है जिसके पास एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वो कहाँ चला जाएगा, इस लेवल में चला जाएगा। एक और इलेक्ट्रॉन आया जिसके पास एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। कोई और इलेक्ट्रॉन आया जिसके पास -3.4 है, तो वो फिर से यहाँ चला जाएगा। तो हर एक लेवल पे डिफरेंट एनर्जी है, और जिस इलेक्ट्रॉन के पास जितनी एनर्जी होगी वो उस पे जाके लाई करेगा। पर ये बात किसकी की थी हमने, सिंगल एटम की थी, है ना, यानी कि आइसोलेटेड एटम के केस में ये किया था हमने। तो आइसोलेटेड एटम मतलब क्या है, हमारे पास न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये आइसोलेटेड एटम है। ये क्या है आपके पास, आइसोलेटेड एटम, एक सिंगल एटम आपके पास था, और इस सिंगल एटम के लिए ये एनर्जी डायग्राम आपके पास था, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी कि किस इंट्रैक्शन कहाँ होगी, इंट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन्स में, इन दो इलेक्ट्रॉन्स में, या इस इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में, इस इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में, यही इंट्रैक्शन कर पाएगा, और तो कुछ नहीं है। दो इलेक्ट्रॉन्स के आपस में, इन इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के साथ, इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ। आइसोलेटेड मतलब आसपास कोई और एटम हमारे पास नहीं है, तो सिर्फ यही इंट्रैक्शन इसके पास है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं एनर्जी बैंड इन क्रिस्टल्स। अब सेमीकंडक्टर आपको बताए थे दो, कौन कौन से, सिलिकन एंड जर्मेनियम, या कोई भी एटम आप ले सकते हो, पर सेमीकंडक्टर के केस में हमने लिया सिलिकन एंड जर्मेनियम। अब हम ऐसा तो नहीं है कि जब नेचर से लेते हैं तो एक एटम उठा लेते हैं, ऐसा नहीं होता।
हमें क्या मिलता है, पूरा क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है, चाहे सिलिकॉन है चाहे जर्मेनियम है। क्रिस्टल फॉर्म में मतलब बहुत सारे एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। तो सिलिकॉन या जर्मेनियम के बहुत सारे एटम्स आपके पास कंबाइंड फॉर्म में साथ में जुड़े हुए हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। तो नेचर में हमें जो मिलता है वो किस में मिलता है, क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है, ना कि वो आइसोलेटेड फॉर्म में मिलता है। क्लियर। तो ये था आपके पास आइसोलेटेड वाला। अब जब क्रिस्टल बनेगा तब क्या होगा, देखो आइसोलेटेड फॉर्म में इंट्रैक्शंस आपने देख ली, तो ऐसा ही एक और आइसोलेटेड, मान लो ये मेरे पास सिलिकॉन का एक एटम है, ऐसा ही आइसोलेटेड सिलिकॉन का एटम एक मैं यहाँ पे लेता हूँ, जिसमें पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, तो जितनी एनर्जी इसके पास होगी उतनी एनर्जी इसके पास होगी, ये भी आइसोलेटेड है अलग दूर बैठा है, ये भी आइसोलेटेड है अलग से बैठा है, तो जितनी एनर्जी इसके पास है उतनी एनर्जी इसके पास होगी, जितनी एनर्जी इसके पास है उतनी एनर्जी इसके पास होगी, जितनी इसके पास है उतनी इसके पास होगी। लेकिन क्या होगा क्रिस्टल फॉर्म में, अब उसे समझते हैं। जैसे ही क्रिस्टल फॉर्म में आएगा इंट्रैक्शंस बदल जाएंगे, अभी आपके पास सिर्फ ये दो इंट्रैक्ट कर रहे थे, ये न्यूक्लियस से इंट्रैक्ट कर रहे थे, है ना। अब क्रिस्टल में क्या होगा वो देखते हैं, सिर्फ दो का एग्जांपल लेते हैं, पहले न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, एक एटम और क्रिस्टल के साथ ही, मान लो यहाँ पे एक और एटम है, यहाँ पे आपके पास ये क्रिस्टल में बहुत सारे एटम होंगे हमारे पास, तो जब ये नहीं था तो इसकी एनर्जी कितनी थी, जो फर्स्ट लेवल में था मान ली 13-13.6, जो सेकंड ऑर्बिट में था उसकी -3.4, जो थर्ड में था -1.51, लेकिन वो थी सिर्फ इस आइसोलेटेड एटम की। अब इसके साथ एक और आ गया, तो जब एक और आ गया तो अब इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये आपस में जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे, जो पहले सिर्फ ये दो रिपल्शन कर रहे थे, है ना, और ये अट्रैक्ट कर रहे थे, तो पहले सिर्फ इतनी इंट्रैक्शन थी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कि ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहा था और न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन अब इसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन भी है जो फोर्स लगा रहा है ना, इसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये न्यूक्लियस भी है जो फोर्स लगा रहा है, इसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर हो सकता है ये अंदर वाला भी लगा रहा है, तो मेनली हम किसका लेते हैं, आउटर का लेते हैं, पर हो सकता है कि ये भी लगाए, थोड़ी बहुत फोर्स ये भी लगाएगा। तो पहले जो सिर्फ एक रिपल्शन की और एक अट्रैक्शन की फोर्स लग रही थी, अब चेंज आ गया एक, और क्रिस्टल में ना कि दो होंगे, तीन होंगे, मिलियंस ऑफ होंगे, बहुत सारे होंगे, यहाँ पे एक और होगा सपोज, तो ये इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये न्यूक्लियस इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ से भी सेम अट्रैक्शन रिपल्शन होगी। तो अब क्या हो रहा है, देखो इसके ऊपर भी सेम है, जब ये आइसोलेटेड था तो अलग था, अब इसके ऊपर ये तीन फोर्स लगाएंगे, इसके ऊपर ये तीन से फोर्स आ रही है, और भी होंगे, ऊपर भी होंगे, यहाँ से भी आ सकती है। तो क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल में बहुत सारे एटम्स हैं और हर एक एटम के ऊपर अलग अलग एटम से इंट्रैक्शंस हो रही हैं, तो किन्हीं भी दो के ऊपर क्या सेम इंट्रैक्शन होगी, नहीं है। मान लो यहाँ पे आपके पास है, यहाँ पे आपके पास है, हाँ, तो इसके ऊपर देखोगे तो इसके ऊपर देखो इंट्रैक्शन अब किस किस की आएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 के 8 इसके ऊपर इंट्रैक्शन कर रहे हैं, है ना। या अब जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर भी 8 करें, जरूरी नहीं कि इसके ऊपर भी 8 करें, है ना, हो सकता है इसके ऊपर 7 करें और इसके ऊपर 6 करें, क्योंकि कॉर्नर में है तो इसके राइट में कोई नहीं है, लेफ्ट में कोई नहीं, नीचे कोई नहीं, है ना, जबकि ये इसको देखोगे तो इसके लेफ्ट में है, ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसको तीनों से इंट्रैक्शन मिलेगी, है ना।
इसको चारों तरफ से इंट्रक्शन मिलेगी, एनर्जी कुछ और होगी, इसको तीन तरफ से इंट्रक्शन मिलेगी, एनर्जी कुछ और होगी, जो कॉर्नर वाला है इसको सिर्फ इन दो से मिलेगी, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एनर्जी कुछ और होगी। तो बोलने का मतलब कि एनर्जी में कुछ चेंज आएगा, है ना। जो एक अकेला आइसोलेट पड़ा है इसकी एनर्जी कुछ और होगी, लेकिन जब क्रिस्टल है, क्रिस्टल में बहुत सारे हमारे पास एटम्स रहते हैं और आपस में इंट्रैक्शंस बढ़ती जाती हैं, है ना। तो उन इंट्रैक्शंस की वजह से, उन अट्रैक्शंस और रिपल्शंस की वजह से हमारे पास एनर्जी में कुछ डिफरेंस आता है। जो फर्स्ट लेवल की एनर्जी थी आपके पास -13.6, ऐसे ऊपर जाते जाते आपके पास -0.85, -0.54, बहुत सारी एनर्जी आई थी। तो इन एनर्जीज की वैल्यू अब ये नहीं रह जाएगी, वैल्यू में थोड़ा सा स्लाइट सा क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो इंट्रैक्शंस बहुत सारी बढ़ चुकी हैं। तो किन्हीं भी क्रिस्टल में कोई भी दो एटम्स बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होंगे, ये चीज़ समझ में आती है, कोई भी दो एटम्स बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होंगे। इसका मतलब किन्हीं भी दो की एनर्जी बिल्कुल सेम नहीं होगी, समझ में आ रहा ना। जैसे मान लो क्रिस्टल है आपके पास, ये एक एटम, दो, तीन, चार, पाँच, इस तरह से आपके पास एक क्रिस्टल है ना, ये आगे की तरफ भी एक्सपेंड होगा, लेफ्ट भी होगा, राइट भी होगा, पीछे भी होगा, बहुत सारे होंगे। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले की बात करूं, तो इसके राइट में दो हैं और लेफ्ट में एक है, नीचे एक और ऊपर दो हैं, तो इन सब से इसको इंट्रैक्शन मिलेगी, तो इसकी एनर्जी कुछ होगी। और इसकी बात करूं तो इसमें उल्टा हो रहा है, इसमें एक ऊपर है, दो नीचे हैं, एक लेफ्ट में, दो राइट में, तो इसकी एनर्जी कुछ और होगी। वैसे इसके लिए जो लास्ट में है, इसकी एनर्जी कुछ और होगी, क्योंकि इंट्रैक्शंस बदल रही हैं, इसके राइट में कोई नहीं है, नीचे कोई नहीं है, है ना, इसके साथ ज़्यादा इंट्रैक्ट कर रहे हैं, इसके साथ ज़्यादा इंट्रैक्ट कर रहे हैं, इसके साथ कम इंट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, इसके साथ कम इंट्रैक्ट कर रहे हैं, इसके साथ कुछ और इंट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इंट्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि एनर्जी कितनी होगी। बोलने का मतलब समझ आ रहा है कि जितने एटम्स आपके पास आसपास रहेंगे, किन्हीं भी दो की एनर्जी बिल्कुल सेम नहीं हो सकती। तो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स से इंट्रैक्शन की वजह से इन एनर्जी लेवल में चेंज आ जाएगा। और कितना चेंज आएगा? जितने हमारे पास एटम होंगे, जितने एटम होंगे, और हर एक एटम की एनर्जी क्या होगी, हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। समझ आ गया? अब ये जो एनर्जी में डिफरेंस आया, ये कब आया? जब हमारे पास क्या था, क्रिस्टल था। क्रिस्टल यानी कि जब दो एटम्स आपस में नज़दीक नज़दीक थे, आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं था, आइसोलेटेड में दूर दूर थे, एक यहाँ था, एक बहुत दूर था, तो उन्होंने आपस में एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, कोई इंट्रैक्शन नहीं हुई, तो कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जैसे क्रिस्टल बना, क्रिस्टल बनने का मतलब पास पास में वो आ गए, तो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स पे, न्यूक्लियस पे फोर्सेस लगाने लगे, जिसकी वजह से एनर्जी में स्लाइट स्लाइट चेंज आया। अब इस चेंज को आप एक डायग्राम में समझो कैसे बनेगा। अब देखो, एक एग्जांपल लेते हैं, सिलिकॉन का एग्जांपल ले लेते हैं। सिलिकॉन का आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। क्लियर? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। इसमें आउटर ऑर्बिट्स कौन से हैं? ये दो। तो ये सिंगल एटम की बात, सिंगल एटम एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी। लेकिन जैसे ही क्रिस्टल की बात करेंगे, तो एनर्जी में क्या आ जाएगा? चेंज आएगा, और हर एक आउटर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। तो मान लेते हैं हम, लेट सिलिकॉन क्रिस्टल हैव एन एटम्स,
मान लिया कि n एटम से मिलके एक सिलिकॉन क्रिस्टल बना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर ऑर्बिट, तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर ऑर्बिट ऑफ सिलिकॉन एटम, आउटर ऑर्बिट ऑफ ईच सिलिकॉन एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर ऑर्बिट में कितने होंगे, एक सिलिकॉन एटम की बात कर रहे हैं अभी, ईच सिलिकॉन एटम, तो आउटर में आपको पता है टू और टू फोर, कितने हो गए, तो अगर एक में फोर हैं तो हमारे पास कितने एटम्स हैं, एन एटम्स हैं, तो एन एटम्स में कितने हो जाएंगे, फोर एन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर ऑर्बिट कितने हो जाएंगे, अगर एक में फोर हैं तो n में कितने हो जाएंगे, फोर, तो ये आ गया आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब करो नंबर ऑफ आउटर एनर्जी लेवल इन ईच सिलिकॉन एटम, आउटर एनर्जी लेवल कितने होंगे, है ना, तो एनर्जी लेवल देखो आपके पास क्या है, 3s और 3p, s में कितने होते हैं दो, और p में कितने होते हैं सिक्स आ सकते हैं, आपको पता, अब s में दो आते हैं आपके पास और p में कितने आते हैं सिक्स आ सकते हैं, अब भरा है, खाली है, फील्ड है या एम्प्टी है, अभी वो नहीं देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ आउटर एनर्जी लेवल हैं कितने एनर्जी लेवल, अगर एक की बात करें ईच सिलिकॉन एटम में, तो टू फोर सिक्स एट, कितने एनर्जी लेवल हमारे पास एट, एक में एट है तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास एन, तो एट एन, है ना, तो नंबर ऑफ आउटर एनर्जी लेवल इन सिलिकॉन क्रिस्टल, तो सिलिकॉन क्रिस्टल में हमारे पास कितने हो जाएंगे 8n, ये समझ में, फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, फील्ड हमारे पास कितने हैं 2 और 2 4, लेकिन टोटल कितने हमारे पास 8 कैसे बने, 8 बने आपके पास देखो, 2 आ गए s के और 6 आ गए p के, है ना, इसमें 6 आ सकते हैं, इसमें 2 आ सकते हैं, तो 2s और 6p, 2s से आए या 6p से आए, तो टोटल कितने हो गए 8, तो आपके पास 8 एनर्जी लेवल है एक में, तो टोटल क्रिस्टल में कितने आ जाएंगे 8 × n 8n, अब इन 8n में से कितने फील्ड हैं और कितने एम्प्टी हैं, इस 8 की बात करो तो इस 8 में से फील्ड कितने आपके पास, कितना, सही है, एस टू आ गया और पी में टू आ गया, तो 1 2 3 और 4 आपके पास क्या आ गया एम्प्टी, और 4 क्या आ गया आपके पास फील्ड, तो 1 2 3 4 4 फील्ड है और 4 ही एम्प्टी, 1 2 और यहाँ पे 2 3 4, तो 4 एम्प्टी एंड 4 फील्ड, तो आउट ऑफ टोटल 8 एन एनर्जी लेवल्स, आउट ऑफ टोटल 8n एनर्जी लेवल्स 4n आर फिल्ड एंड 4n आर एम्प्टी, ठीक है, एक का समझ में आ रहा है, n है तो n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस, कुछ नहीं, तो 4n फिल्ड है एंड 4n एम्प्टी है, लेकिन ये सब कब की बात है, ब्रैकेट में लो, एट 0 केल्विन, ये आगे समझ में आएगा अभी कि 0 केल्विन पे क्यों, क्योंकि अगर
हीट प्रोवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो वो जंप कर जाएंगे, तो हो सकता है वो चेंज हो जाए, है ना। ये भी समझ में आएगा, पर फिलहाल इतना देखो। यहाँ तक समझ में आ गया कि सिलिकन क्रिस्टल लिया, सिलिकन का एटॉमिक नंबर 14, कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, ये आपके पास क्या है, आउटर ऑर्बिट। तो मान लिया हमने सिलिकन क्रिस्टल में हमारे पास एन नंबर ऑफ एटम्स हैं, एन एटम से मिलकर एक क्रिस्टल बना, ये मान लिया। तो एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, ये एक एटम के लिखी है, तो आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 2 + 2 = 4, तो 4 आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो एक में 4 हैं, हमारे पास n एटम्स हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 × 1, क्लियर। अब आउटर एनर्जी लेवल सिंगल एटम में कितने हैं हमारे पास, एनर्जी लेवल हमारे पास 2s में होते हैं और 6p में होते हैं, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 8। तो 8 हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं एक में, हमारे पास n है तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 × n, 8n। अब इन एक में देखो फील्ड कितने और एम्प्टी कितने, फील्ड कितने 4 और एम्प्टी कितने 4, पी में 6 आ सकते हैं, हमारे पास 2 हैं तो 4 की जगह खाली है। तो 8n में से 4n फील्ड हैं एंड 4n एम्प्टी हैं आपके पास, इतना क्लियर हो गया। तो अब उसको देखो जो आपने एनर्जी डायग्राम बनाना था, आइसोलेटेड के केस में कॉन्फ़िगरेशन आपको पता, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, तो एनर्जी लेवल बन गया आइसोलेटेड में देखो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, क्लियर। अब आइसोलेटेड एटम स्टार्टिंग में बताया आपको कि हर एक की एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होती है, फर्स्ट में -13.6, -3.4, -1.51, -0.85, -0.54 एंड सो ऑन, इस तरह से किया था हमने। तो जब सिंगल है, आइसोलेटेड है, तब तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे क्रिस्टल बनता जाए, नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाएंगे। तो आपको समझाया अभी मैंने कि जब सिंगल था हमारे पास तो उसकी एनर्जी कुछ और थी, लेकिन जब उसके आसपास और एटम्स आए तो क्या हुआ, उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में चेंज आना शुरू हो गया। किया था अभी, ये जो इलेक्ट्रॉन थे पहले सिर्फ ये इंटरेक्ट कर रहे थे आपस में और न्यूक्लियस के साथ, अब ये इसके साथ भी करेगा, इसके साथ भी करेगा, न्यूक्लियस के साथ भी करेगा, सेम इधर भी करेगा, है ना। तो अभी बताया था कि जब क्रिस्टल बन जाता है तो हर एक एटम पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन हैं उन सब की एनर्जी में कुछ क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, क्लियर। अभी हमने किया, हमारे पास टोटल कितने हैं, 8n एटम्स, है ना। तो आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल हमारे पास कितने थे, 8n। तो हर एक आउटर मोस्ट की बात करेंगे सिर्फ 3p और 3s की आउटर मोस्ट। तो जो पहले सिंगल सिंगल एटम थे उन सब की एनर्जी सेम आ रही थी आपके पास, इलेक्ट्रॉन जब एक आपके पास यहाँ था, एक यहाँ था, एक वहाँ था, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में सबकी एनर्जी सेम थी और सब ये 3p पे लाई कर रहे थे। लेकिन जब क्रिस्टल बन गया तो ये एनर्जी डिवाइड हो गई, कुछ एनर्जी इंक्रीज कर गई, कुछ की एनर्जी डिक्रीज कर गई। तो क्रिस्टल बनते बनते क्या हो गया कि ये जो है एक इस तरह से बन गया, ये कुछ की एनर्जी थोड़ी इंक्रीज कर गई, कुछ की एनर्जी थोड़ी डिक्रीज कर गई। एनर्जी कितनी थी बेसिक, पहले जब आइसोलेटेड था तब ये एनर्जी थी, जब कंबाइन हुए क्रिस्टल बना तो कुछ इंटरमिक्सिंग, बहुत सारी इंट्रैक्शंस हुई और उन इंट्रैक्शंस की वजह से किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज कर गई और किसी की डिक्रीज कर गई। तो आपके पास बहुत सारी एनर्जीज बन गई, और कितनी एनर्जीज बन गई, जितने आपके पास क्या हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो बहुत सारे आपके पास क्या बन गए, एनर्जी लेवल बन जाएंगे, बहुत सारे कितने बन जाएंगे, जितने आपके पास क्या हैं एटम्स हैं। अगर 1 मोल की बात करते तो 1 मोल में कितने होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। हमने जो पीछे एग्जांपल किया उसमें कितने माने थे हमने, एन, तो कितने आए थे हमारे पास टोटल, टोटल हमारे पास आए थे 8n एनर्जी लेवल्स, समझ में आया।
कितने 8 एनर्जी लेवल्स, बहुत सारी आपके पास एनर्जीज आ जाएंगी, जितने भी आपके पास एटम्स हैं उन सब के लिए डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी आएगी, आएगी बहुत सारी होंगी। तो इस हर एक एटम के लिए डिफरेंट एनर्जी लेवल, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए डिफरेंट एनर्जी लेवल बनेगा, तो 8n आपके पास टोटल हैं, तो 8n एनर्जी लेवल्स बन जाएंगे। क्लियर हो गया ये? वैसे ही ये भी स्प्लिट कर जाएगा, ये भी क्या आउटर मोस्ट, तो जब गैप थोड़ा क्या हो जाएगा कम, इसमें भी लेवल कितने रहेंगे सेम 8n ही रहेंगे। अब जो इंट्रैक्शन बाहर वाला कर रहा है उतनी इंट्रैक्शन अंदर वाले नहीं कर पाएंगे, जैसे जैसे ऑर्बिट के नज़दीक जाते जाओगे अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, या बहुत कम करते हैं। तो जितने अंदर, मान लो ये आपके पास एक न्यूक्लियस है, अब ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये अंदर है और ये उससे अंदर है, तो ये वाला पार्टिसिपेट करेगा, ये सबके साथ इंट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ये उससे कम इंट्रैक्ट कर पाएगा और जो अंदर है वो बहुत ही कम इंट्रैक्ट कर पाएगा बाकियों के साथ। यहाँ पे जो और होंगे उनके साथ इंट्रैक्शन क्या हो जाएगी इसकी, अंदर वाले की बहुत कम होगी, इसकी थोड़ी ज़्यादा और जो बाहर है उसकी सबसे ज़्यादा। तो इंट्रैक्शन जब कम होगी यानी कि एनर्जी अंदर वाले की चेंज नहीं होगी, समझ में, जो सबसे अंदर था सबसे न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक उसकी इंट्रैक्शन बाकियों से बहुत कम होगी या ऑलमोस्ट नहीं होगी, तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी, सेम रहेगी, जब इंट्रैक्शन हुई ही नहीं तो एनर्जी पहले की तरह रहेगी। तो 1s वाले की बात करते हैं, जब इंट्रैक्शन नहीं हुई तो सेम एनर्जी पर, चाहे आप आइसोलेटेड फॉर्म में बोलो चाहे आप क्रिस्टल फॉर्म में, होगी भी तो बहुत माइनर से चेंज आएगा। फिर जो उसके बाहर होगा वो थोड़ा सा उसमें एनर्जी चेंज आएगा, तो थोड़ा सा आएगा, तो थोड़ा सा गैप बना लो, एनर्जी में चेंज आएगा बहुत कम आएगा, है ना, उसके बाद थोड़ा और चेंज आएगा, फिर थोड़ा और आएगा, फिर थोड़ा और आएगा, जो सबसे बाहर हैं उनमें सबसे ज़्यादा चेंज आएगा, तो इसकी एनर्जी में चेंज आया, इतने सारे एनर्जी लेवल बन गए। क्लियर? तो ये सब क्या है आपके पास, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, तो बहुत सारे एनर्जी लेवल्स आपके पास बन जाएंगे, समझ में आ रहा है? क्लियर? तो ये था आपके पास आइसोलेटेड एटम के केस में, और ये वाला पार्ट है आपके पास क्रिस्टल केस में। तो जैसे ही क्रिस्टल में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत सारी एनर्जीज बन जाती हैं, है ना, 8n एटम्स के लेवल बन गए हमारे पास, और इतने लेवल्स में इतने एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स लाई कर सकते हैं। क्लियर? बैंड बन गया, क्योंकि बहुत सारी क्या है आपके पास एनर्जी लाइंस हैं, ये एनर्जी स्प्लिट हो गई इतनी सारी एनर्जीज में, अब इतनी सारी एनर्जीज का ये एक बैंड बन गया, तो इसको बोला है हमने एनर्जी बैंड। ठीक है, और जो इनर मोस्ट है वो इंटरैक्ट नहीं करेगा, तो इनर इलेक्ट्रॉन्स नियरली रिमेंस इनर, ठीक है, तो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स नियरली रिमेंस अनअफेक्टेड बाय नेबरिंग एटम्स, नेबरिंग एटम्स की एनर्जी इंट्रैक्शन इनर मोस्ट के साथ नहीं होगी, मैक्सिमम कहाँ पे होती है वो सिर्फ आउटर के साथ होती है, और हम जो स्टडी करेंगे वो भी हम सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का ही करेंगे, यानी कि 3s और 3p का ही करेंगे, बाकी इंटरनल पे हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बारे में सोचना। क्लियर हो गया? तो ये थे आइसोलेटेड फॉर्म में, और ये आ गया आपके पास क्रिस्टल फॉर्म में। अब इससे पीछे जो हमने किया था, हमारे पास टोटल एनर्जी लेवल कितने थे 8n, उसमें से 4n क्या थे फील्ड थे और 4n क्या थे वैकेंट थे, है ना। तो अब इसको देखते हैं, बाकी मैं मिटा रहा हूँ, अब सिर्फ इसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो अगर ऐसा सेटअप हमारे पास बनता है, तो हमने अभी देखा हमारे पास टोटल थे 8n, उसमें से ये टोटल कितने थे हमारे पास 8n, उसमें से 4n थे फील्ड एंड 4n थे वैकेंट, यही थी कंडीशन, है ना।
तो इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। देखो ये हमारे पास इतना गैप है, इसको सामने बना सकते हो, मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये चीज़ यहाँ बना ली है ना। अब इसमें से ये टोटल कितने, 8 n, तो मैं फील्ड को अलग से दिखा रहा हूँ, हाफ कर लिए, 4 n फील्ड है, 4 n वैकेंट है। तो मान लिए ये जो 4 n है ये फील्ड है, और ये जो ऊपर के 4 n ये कैसे हैं, वैकेंट होंगे, क्योंकि लास्ट में क्या था हमारे पास, 3 s 2 3 p 2, यानी कि चार, सिर्फ 4 फील्ड थे एक में, तो n में कितने जाएंगे, 4 n हो जाएंगे। तो 4 n फील्ड लेवल हैं और 4 n कैसे हैं, वैकेंट लेवल हैं, क्लियर। तो ये बन गया आपके पास बैंड, दिस इज एनर्जी बैंड। अब जो फील्ड है इसको आप बोलोगे, जो नीचे वाला बैंड है इसको बोलेंगे हम वैलेंस बैंड। क्या बोलेंगे इसको, वैलेंस बैंड। और जो वैकेंट है इसको बोलेंगे आप कंडक्शन बैंड, क्लियर। तो इसी की स्प्लिटिंग होती है, दिस इज वैलेंस बैंड एंड दिस इज कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में फील्ड, फील्ड मतलब यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स और होल्स या फिर चार्ज कैरियर्स होंगे, और कंडक्शन बैंड एम्प्टी भी हो सकता है और पार्शली फील्ड भी हो सकता है, उसमें इलेक्ट्रॉन या होल्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है इसमें, लेकिन ये फील्ड रहेगा, क्लियर। तो वैलेंस बैंड ये हो गया, कंडक्शन बैंड ये हो गया। अब इन दोनों के बेसिस पे आपको डिफाइन करना होता है कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स को डिफाइन करना है आपको इन एनर्जी बैंड्स के ऊपर, ठीक। तो अब समझते हैं वही चीज़, एनर्जी बैंड्स इन क्रिस्टल जो हम पढ़ रहे थे। तो इस साइड एनर्जी दिखा रहे हैं हम, और इस साइड हम दिखा रहे हैं आर, यानी कि इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, कि दो एटम्स के बीच में गैप। तो जब दो एटम्स के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, यानी कि एक एटम यहाँ है एक एटम वहाँ है, तो उनके आपस में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होती है, तो आपको पता है सिंगल लाइंस बनती है, जैसे आइसोलेटेड की कैसे बनती थी। तो जब आर बहुत ज़्यादा है ना दूर, तो आपके पास सिंगल, जैसे आइसोलेटेड एटम के केस में बनता था वैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 है ना। सिलिकॉन की बात करेंगे तो 3s2 और 3p2 इस तरह से बनेगा, क्लियर। आइसोलेटेड एटम क्यों, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा है, एक एटम यहाँ पे है, दूसरा एटम यहाँ पे है, तीसरा वहाँ पे है, तो गैप बहुत ज़्यादा है, तो वो आइसोलेटेड एटम की तरह काम करेंगे, और आइसोलेटेड एटम आपको पता है इस तरह से एनर्जी गैप बनते हैं, एनर्जी लाइंस बनती हैं। जैसे जैसे आप गैप को कम करते जाओगे है ना, जैसे एक एटम पहले यहाँ था, दूसरा यहाँ था, अब ये एटम यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, इस तरफ के लिए आता जाएगा, तो क्या होगा, इंट्रैक्शंस में चेंज होता जाएगा, है ना। जब यहाँ पे था, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा, इसका कोई इलेक्ट्रॉन होगा, उन दोनों के बीच में रिपल्शन, उस इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन कुछ और होगी, फिर जब ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा तो रिपल्शन भी बढ़ जाएगी, अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगी, है ना। तो मतलब चेंज आएगा, अट्रैक्शन इंट्रैक्शंस में क्या आएगा, चेंज आएगा, जैसे जैसे आपके पास एटम्स के बीच का इंटर एटॉमिक स्पेसिंग कम होती जाएगी। तो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जब ज़्यादा है तो ये आइसोलेटेड की तरह काम कर रहा है, जैसे जैसे गैप कम होता जाएगा, आपको पता है इनकी आउटर मोस्ट की, इनर मोस्ट को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि इनर मोस्ट आपको बताया अंदर के जो हैं वो ऑलमोस्ट इंटरेक्शन नहीं करते हैं नेबर्स के साथ, कौन से करते हैं, जो बाहर के होते हैं, बाहर के ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही करते हैं। तो बाहर के कौन से आपके पास, 3s2 3p2 आउटर, तो ये इंट्रैक्शंस करेंगे, ये इंट्रैक्शन करेंगे तो इनकी एनर्जी में चेंज आएगा, है ना। और आपको पता है एनर्जी में चेंज आएगा तो मतलब ये स्प्लिट कर जाएंगे, ये भी क्या कर जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा, यहाँ इसकी एनर्जीज बन जाएंगी और यहाँ इसकी एनर्जीज बन जाएंगी, अभी पढ़ा हमने, क्लियर। तो गैप जब थोड़ा होगा तो एक टाइम से ये जब है सिंगल एनर्जी, ये स्प्लिट होके बहुत सारे एनर्जी लेवल बना देगी, ये सिंगल ये भी स्प्लिट होके बहुत सारी एनर्जी लेवल्स बना देगी, फिर गैप और कम होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी एनर्जीज में चेंज आता है, आपको पता है क्योंकि बहुत सारे हमारे पास एटम्स हैं और बहुत सारे एटम्स
कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंट्रैक्ट करते हैं तो एनर्जी में कुछ चेंज आता है और वो ग्राफ जो बनता है वो इस तरह से बनता है। फिर इंट्रैक्शंस करने के बाद इस तरह का ग्राफ बनेगा, इसमें से ये ऊपर वाला बैंड और ये नीचे वाला बैंड। तो ये जो है आपके पास, दिस इज वैलेंस बैंड और दिस इज कंडक्शन बैंड, और इन दोनों बैंड के बीच में एक गैप दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा है? यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन लाई नहीं करेगा, या तो इस एनर्जी में लाई करेंगे या तो इस एनर्जी में लाई करेंगे, है ना? बीच में कोई एनर्जी नहीं है तो इस यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन लाई नहीं करेगा, और बीच में जो ये गैप है इस गैप को बोलते हैं हम फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसको आप ई जी से डिनोट करते हैं, दिस इज ई जी, क्लियर? तो इसको पॉइंट्स में समझ सकते हो आप, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, मान लिया दिस इज डी और दिस इज ए बी सी एंड डी, चार पॉइंट डिस्कस करते हैं ए बी सी और डी। तो आपको यही करना है, बस डायग्राम बन गया, डायग्राम बनने के बाद चार पॉइंट आपको लिखने हैं, इन चार पॉइंट्स के बारे में आपको लिखना है। तो सिंपल है, जब फर्स्ट केस में व्हेन आर इज इक्वल टू डी, When R is equal to D, जब R आपका D के बराबर है, D यानी कि इंटर एटोमिक स्पेस, इसमें के लिए हो गया कि इंटर एटोमिक स्पेसिंग बिटवीन द एटम्स इज वेरी लार्ज है, इस पॉइंट पे बहुत दूर है, तो सबके अपने अपने एनर्जी लेवल लाई करेंगे, समझाया आपको, आइसोलेटेड एटम की तरह। तो सिंपल है, इस पॉइंट में क्या लिखोगे, When R is equal to D, the interatomic spacing between the atoms is very large and every atom has its individual energy level. Clear? तो first point में आप ये लिख दोगे। Second, जब आपने interatomic spacing को थोड़ा सा कम किया, यानी कि जब R is equal to C हुआ, when R is equal to C के पास जब पहुंचे, यानी कि थोड़ा सा कम किया, उस टाइम पे यहाँ पे एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो गया, है ना? जैसे जैसे आपने गैप को कम किया, गैप कम करते करते आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी इंट्रैक्शन होना शुरू हो गई, और इंट्रैक्शन जैसे ही शुरू हुई उनकी एनर्जी में चेंज आना शुरू हो गया। तो इस पॉइंट पे आपके पास क्या हुआ, एनर्जी लेवल डिवाइड करना, डिफ्रेंशिएट करना शुरू हो गए। तो यहाँ पे स्लाइट चेंज आ गया किसमें, एनर्जी लेवल में। फिर जब और कम किया आपने, तो और कम करने पे क्या हुआ, देखो इस चीज को यहां बना रहा हूं, थर्ड पॉइंट, व्हेन आर इज इक्वल टू बी, अब इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, जब आपने डिस्टेंस को और कम कर दिया, तो दो लाइन थी मेरे पास, 3P और 3S, है ना? जब डिस्टेंस को और कम किया तो इंट्रैक्शन में और चेंज आया, ये बन रहे थे आपके पास, ये देखो। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे मर्ज होना शुरू कर दिया, है ना? ये क्या होगी, मर्जिंग हो गई, इस पॉइंट पे मर्ज हो गए, तो अब यहाँ पे बहुत सारे एनर्जी लेवल बन गए, है ना? अब हम बता नहीं सकते कि P का कौन सा है और S का कौन सा है इस वाले पॉइंट पे, या तो इस पॉइंट पे बहुत सारे एनर्जी लेवल बन गए हमारे पास, और हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा पी का है और कौन सा एस का है, इस तरह से,
ये आ गया बी पे, और लास्ट जब और नज़दीक किया हमने ए पॉइंट पे पहुंचे तो हमारे पास दो बैंड बन गए, कुछ एनर्जी लेवल यहाँ बन गए, कुछ एनर्जी लेवल यहाँ बन गए, है ना, और बीच में एक एम्प्टी स्पेस रह गया। तो ये जो नीचे वाले थे, है ना, जिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम थी वो सब यहाँ पे आ गए, उसको हमने नाम दे दिया फील्ड बैंड है, तो नाम क्या जाएगा, वैलेंस बैंड, और जो हाई एनर्जी वाला बैंड था वो ऊपर रह गया कंडक्शन बैंड। तो इसके और इसके बीच में जो गैप है उसको लिखते हैं हम ईजी, फॉरबिडन एनर्जी गैप। इस गैप में कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता, तो फॉरबिडन एनर्जी गैप को आप ईजी से नोट करते हैं। तो ये आपके पास है एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स या क्रिस्टल्स। समझ में आया, सिंपल है। जब डिस्टेंस दूर है तो आपको पता है आउटर इलेक्ट्रॉन्स में कोई इंट्रैक्शन नहीं होगा, तो जैसे आइसोलेटेड एटम था वैसे ही सिंगल रहेगा, इसको भूल जाओ, वैसे सिंगल सिंगल एनर्जी लेवल सबके रहेंगे। जैसे जैसे डिस्टेंस कम करोगे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रैक्शन होना शुरू होगा और एनर्जी लेवल स्टार्ट हो जाएंगे बनना, है ना, ये स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा। फिर थोड़ा और कम करोगे तो इतनी स्प्लिटिंग हो जाएगी कि इसकी 3p की जो सबसे कम एनर्जी है और 3s की जो मैक्सिमम एनर्जी है वो मर्ज कर जाएगी, है ना, सबसे कम एनर्जी कितनी इतनी और इसकी मैक्सिमम एनर्जी कितनी इतनी, तो वो आपस में क्या कर जाएंगी, मर्ज कर जाएंगी, और हम बता नहीं पाएंगे कि उस स्टेज में कि कौन सा, मान लो ये 3p की सबसे कम एनर्जी है और ये 3s की मैक्सिमम एनर्जी है, है ना, तो यहाँ पे p के भी होंगे s के भी होंगे, हम बता नहीं सकते कि कौन सा लेवल p का है और कौन सा लेवल s का है इस पॉइंट के ऊपर। और फिर और कम करेंगे तो जो लोअर एनर्जी लेवल था वो सारा फिल्ड हो जाएगा उन इलेक्ट्रॉन से, और जो हायर लेवल है वो एम्प्टी रह जाएगा या पार्शली फिल्ड रह जाएगा, जिन इलेक्ट्रॉन के पास जैसी एनर्जी होगी वैसा, और उन दोनों के बीच में एक गैप रहेगा, उसको बोलेंगे हम फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ऐसा कुछ डायग्राम बन जाता है आपके पास। ये आ गया वैलेंस बैंड, और वैलेंस बैंड के बाद एनर्जी गैप, और उसके ऊपर जो बैंड है वो कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड को वी भी लिख लिया और कंडक्शन बैंड को सी भी लिख लिया। दोनों के बीच में गैप ई जी, एनर्जी गैप, वैलेंस बैंड इज फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड एम्प्टी भी हो सकता है और पार्शली फिल्ड भी हो सकता है। अब इस डायग्राम के बेस पे आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है मेटल्स, इंसुलेटर्स और सेमी कंडक्टर्स को। बहुत सिंपल सा, मेटल्स के केस में क्या होता है, ये एनर्जी गैप जीरो होता है, या तो ये दोनों ओवरलैप कर जाते हैं या एनर्जी लैप गैप जीरो रहता है। कंडक्टर्स और इंसुलेटर के केस में ये गैप बहुत ज़्यादा होता है, और सेमी कंडक्टर के केस में ये बीच में लाई करता है। तो ये तीन चीज़ें आपको देखनी है। तो पहले वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरवर्ड एनर्जी गैप क्या क्या होता है वो देख लो। तो इस डायग्राम से ये तीन डेफिनेशंस आप लिख लो, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड फॉरबिडन एनर्जी गैप। अच्छा, जो वैलेंस बैंड का हाईएस्ट एनर्जी लेवल है ये वाला, इस एनर्जी को हम डिनोट करते हैं ई वी से। वैलेंस बैंड है तो हम क्या लिखेंगे, ई वी, और इस बैंड की जो लोएस्ट एनर्जी है इसको हम बोलते हैं ई सी। क्लियर? तो एनर्जी गैप कहाँ है, ई सी माइनस ई वी, है ना, एनर्जी गैप की अगर फार्मूला निकालना ई जी का तो ई सी माइनस ई वी। ई सी मीन्स कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी और ई वी मीन्स वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी। क्लियर? तो वैलेंस बैंड क्या है पहले आपके पास, तो वैलेंस बैंड में क्या है, द हाईएस्ट एनर्जी बैंड फिल्ड विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस बैंड में लाई करेंगे। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे कोई कंडक्शन नहीं होगी, कंडक्शन किससे होगी, उन इलेक्ट्रॉन्स से जो कहाँ पे होंगे, कंडक्शन बैंड में। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं सपोज, और उन इलेक्ट्रॉन्स को आप बाहर से एनर्जी देते हो और वो एनर्जी गेन करके यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा वो क्या करेगा, कंडक्शन करेगा, यहाँ का कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन नहीं करेगा।
तो वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती है। कंडक्शन बैंड में बता दिया आपको, एनर्जी गेन करेंगे, एनर्जी गेन करके यहाँ से यहाँ चले जाएंगे और वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है, द लोएस्ट अनफील्ड अलाउड, अनफील्ड ये एम्प्टी रहता है आपको पता, या पार्शली फील्ड, द लोएस्ट अनफील्ड अलाउड एनर्जी बैंड नेक्स्ट टू वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड के नेक्स्ट ऊपर जो है इज कॉल्ड द कंडक्शन बैंड, एंड कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंडक्टिविटी करेंगे, क्लियर। एंड थर्ड, फॉरबिडन एनर्जी गैप, तो ये सिंपल है, द गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है उसको बोलोगे आप फॉरबिडन एनर्जी गैप, इस गैप के बीच में कोई एनर्जी लेवल लाई नहीं करता है, कोई एनर्जी लेवल नहीं है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी लेवल ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं आएंगे। तो द गैप बिटवीन टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड के टॉप एंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड के बॉटम से, तो ये जो गैप है, समझ में आ गया, तो गैप बिटवीन द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड इन विच नो एनर्जी लेवल्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ई जी का फार्मूला क्या हो जाएगा, ई सी माइनस ई वी, तो ई जी इज इक्वल टू ई सी माइनस ई वी। ई सी क्या है, कंडक्शन बैंड की लोएस्ट एनर्जी, तो कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी। ई वी क्या है, वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी, तो वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी, क्लियर। तो ये था आपके पास वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और एनर्जी गैप। अब इनके बेसिस पे आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सिंपल सा, कि डिफाइन डिफरेंशिएट करना है मेटल्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर में ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप। तो आपको एक ऐसा डायग्राम बनाना है और देखते हैं आगे क्या करना है। तो वो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये बनाना है सिर्फ, कंडक्टर्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए एंड इंसुलेटर्स के लिए। तो कंडक्टर के केस में क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। देखो ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक वैलेंस बैंड और यही आ गया आपके पास कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे है ना, वो ऑटोमेटिकली किस में आ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, उन्हें कोई एनर्जी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि बाहर से एनर्जी लेके कंडक्शन बैंड में जाएं, क्योंकि ये पहले से फील्ड है, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में हैं वो किस में आ गए, अपने आप ही कंडक्शन बैंड में आ गए। अगर ज़ीरो एनर्जी गैप भी होता आपके पास, सपोज ज़ीरो एनर्जी गैप भी होता कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, तो यहाँ से बिल्कुल थोड़ी सी एनर्जी लेते ही वो यहाँ पहुँच जाते कंडक्शन बैंड में, और जैसे ही कंडक्शन बैंड में पहुँच जाएंगे वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो कंडक्टर्स के केस में क्या होता है, एनर्जी गैप ऑलमोस्ट 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर वो ओवरलैप करते हैं, है ना। तो ओवरलैप करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में हैं वो ऑटोमेटिकली किस में आ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे, और जैसे कंडक्शन बैंड में आएंगे आपको पता है कि कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्टिविटी करते हैं, इसलिए कंडक्टर्स के केस में बहुत कम एनर्जी में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, है ना। अब सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, सेम भाई, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, लेकिन इसमें एनर्जी गैप थोड़ा रहता है, कितना होता है कि एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहता है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पे उनको कुछ एनर्जी मिलेगी और वो एनर्जी में यहाँ से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, सफिशेंट एनर्जी अगर होगी उनके पास तो जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और यहाँ चले गए तो वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो सेमी कंडक्टर में क्या होता है आपके पास कि एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज़ लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। जैसे सिलिकन और जर्मेनियम दो पढ़ रहे हैं, तो सिलिकन में एनर्जी गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम में होता है 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए बहुत कम एनर्जी मिलने पे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और कंडक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो जब एनर्जी मिली ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गए तो सेमी कंडक्टर किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे, कंडक्टर की तरह कर देंगे, और जब एनर्जी नहीं मिल रही है, सारे इलेक्ट्रॉन यहीं पे हैं, तब किसकी तरह बिहेव करेंगे, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, है ना। और इंसुलेटर के केस में क्या है, यहाँ भी वही फील्ड वैलेंस बैंड आपके पास है, यहाँ पे फील्ड है, इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, लेकिन एनर्जी गैप
3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप है। आप यहाँ पर एनर्जी देंगे भी तब भी वो यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएंगे, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि बीच में गैप बहुत ज़्यादा है ना, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। तो आप एनर्जी देंगे, हीट भी देंगे, कुछ भी देंगे, तो वो यहाँ से यहाँ पे नहीं जा पाएंगे। तो जब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुँचेगा कंडक्शन नहीं होती है, इसलिए इंसुलेटर्स के केस में कोई कंडक्शन नहीं होती है। ठीक, तो सिंपल सा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आता है, जो भी पढ़ा उसका बेसिक पढ़ा भी आपने सब, है ना, आपने सेमी कंडक्टर्स पढ़ा, बेसिक था, आपने एनर्जी बैंड कैसे बनते हैं वो समझा सिर्फ आपने, कि एनर्जी बैंड कैसे बनते हैं, कि जब सिंगल एटम आपके पास है तो सिंगल एटम क्या करता है, उसमें एनर्जी लेवल्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं सिंगल लाइन की फॉर्म में। लेकिन जैसे ही आप क्रिस्टल की बात करते हैं तो बहुत सारे एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं और उनकी इंट्रैक्शंस चेंज करती है, जिससे अलग अलग एनर्जी लेवल बहुत क्लोजली आपके पास आ जाते हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड बोलते हैं। तो वो कैसे बना, ये बैंड कैसे बने, इसको समझने के लिए हमें वो पढ़ना पड़ा। मेन क्वेश्चन आपको यही आता है कि डिफरेंशिएट करना है आपको कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर को ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप। तो आप ऐसे करेंगे, कंडक्टर्स में ओवरलैप कर रहा है या जीरो है, इसमें लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और उसमें ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। थैंक यू।